हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज हम दिखाने वाले हैं शिखर, जो तस्वीर आप देख चुके हैं वही शिखर हम बनाकर दिखाएंगे आपके। तो देखिए नीचे हमने अभी पर यहाँ पर हमारे शिखर बनना है, तो यहाँ पर हमने देखिए पहले ये धागा से जहाँ बीम डाल ली है वहाँ पर फिर हमने खिंचा लिया है, ये धागा फटका लिया है। अब इसी में हम देखिए और निशान लगाएंगे, जैसे हम इस 8 पहल बनाएंगे। अभी हमने 4 पहल में ये धागा खिंचाया है, मतलब फटकारा है यहाँ पर। अब 4 पहल के बाद हम इसको 8 पहल करेंगे। अभी तो 8 पहल के लिए देखिए हमने हमारा ये 9.5 बाई 9 का जगह है, तो इसके लिए हमने लिया है 33 इंच, 33.5 इंच के हिसाब से हमने ये निशान लगाया है। देखिए अब हम यहाँ पर भी धागा फटकार देंगे, जिससे हमारा ये निशान बन जाएगा कि यहाँ से हमें इस हिसाब से जाल बनाना है। नाप तौल करने में हमें आसानी रहेगी, रोक लगाने में भी, जैसे अंदर से हम गिट्टी सीमेंट भरेंगे। तो हमने ये निशान लगा लिया, अब हम इसको एक निशान और लगाएंगे। अभी 14 इंची में ढालेंगे ना हम, तो अभी एक निशान और लगाएंगे। देखिए हम 14 इंची का निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये जो हम बीम डाल रहे हैं वो हम 14 इंची चौड़ा डाल रहे हैं, इसलिए देखिए हिसाब से हम इसको भी खिंचा देंगे। तो ये हमारे 8 पहल निकल आया। अभी हम ये बीम डालेंगे इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमारा ये अंदर से 8 पहल दिखेगा और बाहर से 4 पहल दिखेगा। देखिए इस हिसाब से हमारा ये हम जाल बांधेंगे, जिससे हम ऊपर चल के दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम 4 पहल तो थोड़ा मतलब 2 फिट ही ले जाएंगे। इसके बाद हम इसको 8 पहल करेंगे, तो 8 फिट भी हम 2 फिट ले जाएंगे। इसके बाद फिर हम इसको गोल कर देंगे, क्योंकि शिखर आप देख चुके हैं तस्वीर फोटो पहले जो हम दिखाए हैं उस हिसाब से बनाना है। तो ये भी 4 पहल में और 8 पहल में हमारे ये बीम डलेगा। देखिए इस हिसाब से हम जाल बांध लेंगे इसका। इससे शिखर के लिए मजबूती भी आ जाएगी, 8 पहल का बीम डालेंगे तो हमारी जो जैसे 8 पहल करके हम जो ईंटा लगाएंगे 8 पहल करेंगे तो उसमें कमजोरी नहीं रहेगी। नहीं तो कई लोग के कोने पर ईंटा भर देते हैं, तो हमें जाल ही बांधते हैं। हम इस हिसाब से बीम बांधेंगे, पूरा लोड लेकर चलेगा ये हमारा। जो नीचे से पिलर आए हैं उसी में से हमने सब उठ करके बांधा है, वो ये जो सरिया दिख रहे हैं अभी ओवर, इसको भी हम मोड़ के इसी में मिला देंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द आने वाला।